भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के निमित्त से कोल्हापुर जिले के श्रीधर्मनगर क्षेत्र पर दिगंबर संतों के आशीर्वाद व गढ़िनी प्रमुख आरेखा रत्नश्री जिनदेवी माताजी के सानिध्य में ओम योग ध्यान शिविर का आयोजन होने जा रहा है। शिविर के बारे में स्वयं आरेखा श्री ने विस्तार से जानकारी दी। आगामी 24 से 27 अक्टूबर के मध्य कोल्हापुर जिले के अतिशय क्षेत्रीय श्रीधर्मनगर क्षेत्र पर दिगंबर संतों के आशीर्वाद व गढ़िनी प्रमुख आरेखा रत्नश्री जिनदेवी माताजी के सानिध्य में ओम योग ध्यान शिविर का आयोजन होने जा रहा है। गढ़िनी प्रमुख आरेखा श्री ने शिविर के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि प्राणायाम योगासन के द्वारा तन को स्वस्थ रखा जाता है। आज की रंगीली दुनिया में शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही है। तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी है। प्राणायाम योगासन के द्वारा तन को स्वस्थ रखा जाता है और ध्यान के द्वारा मन को स्वस्थ रखा जाता है। जैनाचार्य श्री शुभचंद्र आचार्य श्री ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में योग ध्यान के द्वारा सरल उपाय बताया हुआ है और इसलिए अपने को उस उपायों के द्वारा अपने मन को शांति के लिए प्रयास करना है। शिल्पकार मन की एकाग्रता के द्वारा ही सुंदर मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार अपनी मन की एकाग्रता से ध्यान की सिद्धि करना है और इसीलिए एक छोटा सा प्रयास है, ध्यान शिविर का छोटा सा प्रयास है। अपन सभी को उस ध्यान शिविर में अंतर्मुख होना है। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के निमित्त से आयोजित होने वाले इस ओम ध्यान योग शिविर में सभी धर्म बंधु बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर मन को एकाग्र करने की सिद्धि अवश्य सीखें। जैन फोकस के लिए कोल्हापुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।